क्विंटल और 100 ग्राम का अंतर है। मैंने शुरू में ही बोला था, आपने मेरी बात को माना। मैं यही सवाल उठा रहा हूँ कि एक आरती, एक बिचौलिया जो है 4 गुना ज्यादा पैसे पा जाता है, आपको प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है 70 साल से? राजनीतिज्ञों ने, पार्टियों ने क्या किया? इस प्रॉब्लम की सलूशन क्या है? आप किसान है, मुझे बताइए। आप बोलिए कि अगर इस बिल को हम हटा लें तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी सारी समस्याएं अगर दूर हो जाएंगी और आगे आप कुछ नहीं करेंगे तो हटा दीजिए बिल। इतना अंतर है जब वार्ड एके मिश्रा यहाँ किसान पंचायत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप ये जैसे बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए ना कि ये तो उस किसान सम्मेलन पर ही सवाल उठा रहे हैं। इनको लग रहा है किसान सम्मेलन ही नहीं है, वो किसान ही नहीं है। नहीं देखिए, अब हमारे जो किसान नेता ने अभी बोला, मैं इनको ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप सोच समझ करके इस बिल को समझिए, इस बिल को और पहले के बिल को। मैं बोलता हूँ आज़ादी के समय सबसे बड़ी आप लोगों की समस्या, विज्ञान का मेल कराया गया तो उत्पादन के आपको मार्केट से मिलेगा। एक मंडी का बेच करके पैसा कमा लेता है, लेकिन आप किसान जो खेत में है आपको दाम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो जब पूरी दुनिया के दुकानदारों को, मार्केट को जोड़ा जाएगा आपके साथ, व्यापार को आपके साथ जोड़ा जाएगा, तो आपकी ये वर्षों पुरानी समस्या दूर होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको, और वर्षों पुरानी समस्या है लेकिन वो समस्या तो किसानों से बेहतर किसी को पता नहीं होगी, है ना? किसानों से बेहतर तो किसी को पता नहीं होगी। मर्ज का अच्छा इलाज डॉक्टर करता है, हो सकता है रोगी को भी उसको उतने मर्ज की पता ना हो। जो डॉक्टर होते हैं, ये रोगी है वो जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जिनके सलाह से ये बिल बना है, वो ज्यादा एक्सपर्ट हैं। वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर 4 महीने पहले हमारे देश में आ गया, महामहिम जी के साइन हो गए। लेकिन डॉक्टर के आने के बाद हमारा धान और मक्का और बाजरा, कपास और दलहन आधे MSP से आधे रेट में लूट लिए गए। मक्का भी, बाजरा भी, धान भी। सुनो वो बता रहा हूँ, जो देश आजाद होने से अब तक जो हमें लूटता रहा, उसी ने लूटा, मंडी के आढ़तियों ने लूटा। लेकिन वो डॉक्टर नहीं आया हमारे, आप खुद कह रहे हो आढ़तियों ने लूटा, कह रहा हूँ तो हटाने के लिए कह रहा हूँ मैडम, वही कह रहा हूँ। कह रहे हैं कि भाई इसके खिलाफ बोल रहे हैं मिश्रा जी, वही राजनीतिक दल वो भी है जो जब सत्ता में थे तो कहते थे कि ये कानून आना चाहिए, चिट्ठियां लिखी गई थी। सवाल ये भी नहीं है, यही राजनीतिक दल जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं 70 साल से, वो किसानों की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं और MSP नहीं दिला पाए। MSP भी 25-30% किसानों को, जो दिल्ली NCR के अगल बगल है, उन्नत प्रदेशों में है, उन्हीं को मिलता है। मैं एक गाँव से हूँ, मुझे पता है कि मेरे यहाँ जो एक बोरी अनाज उगाता है उस किसान को MSP क्या होती है, उसके पुरखे नहीं जानते हैं। मैं किसान भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ, आप व्यापार के एंगल से आप ये सोचिए, कहीं अगर ओपन मार्केट हुई, ग्लोबल मार्केट हुई, MSP से भी ज्यादा आकर के कोई आपको देने लगे तो इतना भी। सुनो जी, क्योंकि नए कानून में क्रय विक्रय पे कंट्रोल नहीं है, किस अनुपात से वो खरीदेगा और किस अनुपात से बेचेगा। जैसे कि सुनो, मक्का 800 रुपए क्विंटल बिक गई और पॉपकॉर्न 800 रुपए का, 100 ग्राम क्विंटल और 100 ग्राम का अंतर है। मैंने शुरू में ही बोला था, आपने मेरी बात को माना। मैं यही सवाल उठा रहा हूँ कि एक आरती, एक बिचौलिया जो है 4 गुना ज्यादा पैसे पा जाता है, आपको प्रॉफिट क्यों नहीं मिल रहा है 70 साल से? राजनीतिज्ञों ने, पार्टियों ने क्या किया? इस प्रॉब्लम की सलूशन क्या है? आप किसान है, मुझे बताइए। आप बोलिए कि अगर इस बिल को हम हटा लें तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी सारी समस्याएं अगर दूर हो जाएंगी और आगे आप कुछ नहीं करेंगे तो हटा दीजिए बिल। इतना अंतर है जब वार्ता, अरे भाई सुन लो, सुनो, जब हम वार्ता के लिए जाते हैं तो बिल के फायदे समझाए जाते हैं, वहाँ हमारी बात नहीं सुन लो भाई, हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, नाक रगड़ के कह रहे हैं, गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, सुन लो भाई, अरे भाई सुन लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी समझ लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे लग रहा है सुनिए मिश्रा जी सुनिए, मुझे लग रहा है बातचीत में अगर यही होगा तो फिर समाधान नहीं निकलेगा, कम से कम या तो समाधान। एक मिनट मेरी बात सुनिए एक मिनट। नहीं मिश्रा जी, आपकी इतनी कम उम्र भी नहीं है आपकी, एक लाइन लिखने में सरकार की नानी मर रही है। वो कह रहे हैं MSP को गारंटी कर दीजिए कि मिले, क्योंकि वो कह रहे हैं तो दशकों से पुरानी हमारी समस्या है, किसान को न जाने कब से MSP मिलता ही नहीं है, उसके नीचे में उसे अपनी पूरी उपज। मैं सुचेता आपको बताऊं, ये मार्केट एक्सपर्ट की भी एक समस्या है, आपको दाम कहां से मिलेगा, दाम कौन देगा, मार्केट देगा ना?
मार्केट ही तो आपको दाम देगा जहां माल बिकता है, चाहे कनाडा में बिके, ऑस्ट्रेलिया में बिके, भारत में बिके, कहीं पे। तो जिस तरीके से विज्ञान का जब संकलन हुआ, साथ मिला, तो आपका उत्पादन, नहीं सुनिए, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स और मार्केट का क्लब हो रहा है, आप क्यों इतने सशंकित हैं? एमएसपी जब पॉप कॉल रही है, एमएसपी के लिए सरकार गारंटी दे रही है, तो आप लोग क्यों इतने नहीं दे रही गारंटी? जब सुनो, जब अरे सुनो, अच्छा सुनना चाहते हो, मैं चिल्लाऊं? सुनो, तुम चिल्लाते हो, मैं ये कह रहा हूँ, जब पॉपकॉर्न, बिस्कुट, चिप्स, पानी की बोतल, कैंपा कोला, इन पे कोई कंट्रोल नहीं दबाई, तो फिर हमारी सस्ती क्यों लुट गई फसल, धान क्यों लुट गया, मक्का की? अरे क्यों नहीं हमें वो? सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मार्केट का आदमी हूँ, कार हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, एमएसपी रहेगा, फिर क्या समझते हैं? मिलेगा, कहते हैं नहीं, वो कह रहे लिखित में देंगे, क्योंकि मिलेगा, मिलेगा, प्राइवेट रहेगा, नहीं मिलेगा, मतलब ये है कि नहीं मिलेगा, रहेगा, नहीं मिलेगा, रहेगा और मिलेगा में अंतर है। अभी हमारे साथ ही कह रहे थे, सुनो भाई, एमआरपी से ऊपर कुछ नहीं बिकता, एमआरपी से नीचे कुछ नहीं बिकता। जब सरमाएदार का, व्यापारी का माल एमआरपी से ऊपर भी नहीं बिकता और एमआरपी से नीचे भी नहीं बिकता, तो हमारे भी एमएसपी से नीचे ना बिके, इसमें कौन सी बात हम कह रहे हैं? विरोध कर रहा है, सारे मंत्री बोल रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ मिलेगा, जल्दी से एमएसपी से नीचे नहीं मिलना चाहिए। अभी एमएसपी लागू थी, ये इन्होंने एमएसपी जो डिक्लेयर कर रखी है, तब इन्होंने 700 रुपया कुंटल में बिकवा दिया था। मैं बस ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से बातचीत अगर बेनतीजा रहती है, शायद यही होता हो सर उन बैठकों में भी जो किसान नेताओं और सरकार के बीच हो रही है, लेकिन ये नतीजा जब निकलेगा तभी सर किसान का आंदोलन खत्म होगा, इसी उम्मीद में, यही उम्मीद, जैसा आपने कहा, उम्मीद में कि ये समाधान जल्द निकले। महाभारत में आज किसानों के बीच से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।